a historic moment unfolded in the skies. All three vice chiefs of the Indian armed forces came together, taking flight in the indigenous fighter jet, LCA Tejas. तो जय हिंद दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दरअसल बीते कई दिन से भारत पाकिस्तान के आतंकवादियों से भयानक तरीके से परेशान है और जम्मू कश्मीर के रजौरी में भारतीय सेना ने भी एक बड़ा कमबैक करते हुए कई आतंकवादियों को मार गिराया है। लेकिन इन सब घटनाओं के बीच ही हड़कंप तो जोधपुर में मच गया जब भारत की तीनों ही सेनाओं के वॉइस चीफ एक साथ तेजस में उड़ान भरने लगे और इन दृश्यों को देखकर पूरी दुनिया के होश उड़ गए। और ये भारत के इतिहास का पहला मौका है जब तीनों ही सेनाओं के वॉइस चीफ एक साथ अपने स्वदेशी फाइटर जेट में उड़ान भर रहे हों। अब इसी वीडियो में आप लोगों को इस हिस्टोरिक घटना के पीछे का रीजन बताएंगे आखिर ऐसा हुआ क्यों है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय जोधपुर के अंदर भयानक मंजर देखने को मिल रहे हैं क्योंकि जोधपुर के अंदर भारतीय वायुसेना का एक मल्टीनेशनल युद्धाभ्यास चल रहा है जिसका नाम है तरंग शक्ति। और इस समय तरंग शक्ति युद्धाभ्यास अपने सेकंड फेज में है जो 14 अक्टूबर तक चलेगा जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ग्रीस, सिंगापुर और यूएई जैसे देशों की एयर फोर्सेस चले रही हैं और जोधपुर के आसान में अपनी वॉर एबिलिटी को इंक्रीज कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच ही उस समय एक हिस्टोरिक मंजर देखने को मिला जब भारत की तीनों ही सेनाओं के वॉइस चीफ अचानक से तेजस फाइटर जेट की फ्लाइट पर एक साथ निकल गए। अब आप लोग पहले खुद ही आर्टिकल देखिए जिसमें साफ है कि हिस्टोरिक फ्लाइट बाई वॉइस चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स इन तेजस फाइटर जेट और तीनों ही सेनाओं के वॉइस चीफ की ये जो फ्लाइट थी वो तरंग शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास का एक हिस्सा थी जहां पर भारत ने तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास में शामिल होने वाले एक से बढ़कर एक ताकतवर देश के सामने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज के साथ साथ आत्मनिर्भरता को भी दिखाया क्योंकि तेजस भारत का पहला स्वदेशी रूप से मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट है। अब इसी स्वदेशी फाइटर जेट में भारतीय सेनाओं के तीनों ही वॉइस चीफ जिसमें वॉइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल एपी सिंह जो भारतीय वायुसेना के एक लीड फाइटर पायलट है, वहीं भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना के वॉइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल NS रजा सुब्रमणी, वहीं नेवी के वॉइस चीफ वॉइस एडमिरल कश्मा स्वामीनाथ शामिल थे जिन्होंने तेजस के ट्विन सीटर फाइटर जेटों में उड़ान भरी। आपको बता दें कि तेजस के ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी उड़ान भर चुके हैं और उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया को तेजस की ताकत दिखाई थी और अब अचानक से भारत के इन तीनों ही वॉइस आर्मी चीफ ने दुनिया भर के सभी ताकतवर देशों के सामने तेजस की ताकत दिखाई है और अपने पड़ोसी दुश्मनों को भी एक कड़ा संदेश भेजा है कि वो भारत से हिलने की कोशिश न करें क्योंकि भारत की तीनों ही सेनाओं का वो वजूद है जो पाकिस्तान और चाइना को बर्बाद कर देगा। और आप लोग इस हिस्टोरिक फ्लाइट के बारे में क्या कहना चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।